हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आपके यूपी टेट के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस जो मैथ से लिए जा रहे हैं, इसमें इस सीरीज का भाग 4 हम लेकर आए हैं। वैसे मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि आपको 5 भाग कुल दिए जाएंगे, लेकिन 5 भाग में दिक्कत ये थी कि इसमें वीडियो काफ़ी लंबे बन जा रहे थे। यदि 20-20 प्रश्न के 5 वीडियो बनाए जाते तो मैंने एक एक वीडियो में लगभग 15 से 16 प्रश्न यहाँ पे रख रहे हैं, तो आपके 6 से 7 वीडियो होंगे। तो आप इस सीरीज में जो भाग चौथा है बड़े ध्यान से देखिएगा, और एक समय आपके पास कम है, फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो टॉप 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, समय निकालकर पूरे क्रम को एक बार 100 प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक बहुत हेल्प मिलेगी। 1-60 रिवीजन के तौर पे, जिसमें आप यदि 4 घंटे निकाल देते हैं इस पूरे 100 प्रश्नों को देखने में अलग अलग वीडियो, तो आपके परीक्षा के लिए ये कितना उपयोगी होगा ये समय खुद ही बताएगा। और ज़्यादातर प्रश्नों के स्ट्रक्चर उम्मीद है कि मिलते रहेंगे। तो चलिए इस क्रम में ये जो प्रश्न संख्या 45 दिया हुआ है यहाँ पर देखें, लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिका की लंबाई x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है ABC और इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका क्या होता है, भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाता है। माध्यिका क्या होता है कि किसी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को यदि सामने वाले शीर्ष से मिला दे तो वही माध्यिका होता है। जैसे ये भुजा का मध्य बिंदु हमने यहाँ पे डी लिया, अब भुजा के मध्य बिंदु को यदि सामने वाली शीर्ष से मिला दे तो ये AD जो है यही माध्यिका होगा, ये मध्य बिंदु है, मतलब जितना BD है उतना ही CD है। और आप जानते हैं कि, अच्छा एक चीज आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की ऊंचाई ही होती है। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका की लंबाई होगी वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंचाई निकालने के लिए यदि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो सामने वाली भुजा समद्विभाजित होगी, तो ये समद्विभाजित है तो निश्चित रूप से यहाँ पे लंब पड़ेगा, है ना। तो माध्यिका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही है और माध्यिका की लंबाई x दिया है। आवाज स्पष्ट मिल पा रहा है, चलिए एक सेकंड थोड़ा माइक लगाना भूल गए। यहाँ पर आप समझ पाए तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका की लंबाई होती है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही होती है। तो इस सीरीज में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप कह सकते हैं कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है वो होता है कर्णी में, आपको बता दें ऊंचाई ही माध्यिका होगी। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कर्णी में 3/2 गुणा भुजा होती है जो कि बराबर ही x। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वही माध्यिका होगी, और ये ऊंचाई होता है कर्णी में 3/2 a, मतलब माध्यिका कर्णी में 3/2 * भुजा बराबर x है। मतलब इसकी यदि प्रत्येक भुजा हम a माने, ये भी BC भी भुजा a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2x/√3। कैसे, कर्णी में 3/2 उधर पक्षांतर करिएगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें ज्ञात हो गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है 2x/ कर्णी में 3 गुणा 2x/ कर्णी में 3, कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर है, भुजा हमें अभी अभी मिला है ये है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसे 2 बार लिखेंगे। तो अच्छा देखा जाए तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अच्छा ये कर्णी में 3 कैंसिल नहीं करना, नहीं तो एक बार अंश हर में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 में यदि गुणा कर ले तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो आसान रहा, कितना आया, कर्णी में 3 x का गुणा x में x स्क्वायर और बटे
क्योंकि करणी में तीन का गुणा करणी में तीन में करेंगे तीन हो जाएगा, करणी में तीन यहाँ है, x गुणा x x स्क्वायर, तो करणी में तीन x स्क्वायर बटे तीन आपका ये उत्तर मिलेगा, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, करणी में तीन x स्क्वायर बटे तीन डी ऑप्शन। तो आपने इस सीरीज को देखा, तो चलिए आगे, बस इतना ध्यान देना समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वो ऊंचाई ही होती है। अच्छा, आगे के सीरीज में देखिए प्रश्न संख्या जो 46 दिया गया है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 689235, इसमें पूछा है 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान निकाल लीजिए और 3 का स्थानीय मान। तो पहले देखिए 3 का जो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जिस प्लेस पर वो उसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी। तो अब 3 दहाई डिजिट में है, इकाई दहाई, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू बनेगा, स्थानीय मान बनेगा, वो 30 बनेगा। देखिए 3 कौन से डिजिट में है, इकाई दहाई, दहाई डिजिट में है, तो 3 का जो स्थानीय मान जाएगा 3 × 10 30 होगा। और 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 9 हजारवें डिजिट पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ पे जब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 × 1000 करेंगे, कितना आएगा 9000। तो 3 का स्थानीय मान 30 हुआ और 9 का स्थानीय मान 9000 हुआ। तो इन 3 और 9 के स्थानीय मान में अंतर, तो 9000 - 30 8970 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये आसान प्रश्न था। चलिए इसी श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याएं हमने मान लिया ए और बी है, हमने माना संख्याएं कौन कौन सी है, ए और बी, तो दोनों का योगफल 15 के बराबर है। ध्यान देना, दोनों का योगफल किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर 15। और a जानकारी और दिया है, दो जानकारी दिया है, एक तो दोनों संख्याओं का योग दिया है और एक इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, मतलब a का वर्ग और b का वर्ग दोनों के वर्ग का योगफल कितना है 113। ये दो जानकारियां आपके प्रश्न में दे रखा। अब पूछा है तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, गुणनफल कैसे निकालेंगे, a प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है। अच्छा, आप जाने कि a प्लस बी का यदि हम वर्ग कर दें दोनों, a प्लस बी का वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a प्लस बी का भी मान पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान पता है, प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 2ab का मान आ जाएगा। जब 2ab आ जाएगा तो a इंटू बी आ ही जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, हमने माना है जो संख्याएं हैं वो a और b। संख्या कौन कौन सी है, a और b है, तो इनका गुणनफल पूछा है, मतलब a का गुणा b में करेंगे तो a इंटू बी आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, आप इसके दोनों साइड से वर्ग कर लीजिए। जब वर्ग करेंगे दोनों साइड से तो a प्लस बी का होल वर्ग क्या हो जाएगा, दोनों साइड से वर्ग कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। अब 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, ये आपने समझा। अब हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आपके इस सीरीज में दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दिया है 113 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान रख लीजिए 113, और प्लस कितना लिखा है 2ab, जैसे का वैसा लिख लीजिए, बराबर कितना 225। अब 113 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा 113 उधर माइनस होगा, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गए 1 और फिर 2 में से 1 गए 1, तो 2ab बराबर 112, तो a * b बराबर कितना 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 12, यही आपसे पूछा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा a * b, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो a इंटू बी बराबर 56 होगा, अभी आपके जिस ऑप्शन में दिया गया है वो है सी। चलिए एक अगले पैटर्न पर आ जाए, अगले सवाल पर आ जाए। यहाँ पे जो दे रखा है, देखिए घातांक का ये एक सीरीज आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है x पर घात b, हाँ प्लस c, और उस पर भी घात है b माइनस c,
इनटू लगाया है, फिर यक्स पर घात है सी प्लस ए और उस पर भी घात दिया है सी माइनस, फिर इनटू यक्स पर घात, सॉरी यक्स पर घात दिया है ए प्लस बी और उस पर भी घात है ए माइनस बी। अच्छा, घातांक का आप नियम यह जानते हैं कि यदि घात पर भी घात दिखे इस तरीके से ब्रैकेट के रूप में तो घातों का गुणा कर लेते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि b एक घात x पर घात है b प्लस c और उस पर भी एक घात और लगा है b माइनस c। तो जब घातों पर भी घात हो तो घातों का गुणा कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं एक x पर घात है b प्लस c, उस पर भी एक घात है b माइनस c। तो जब घातों पर भी घात हो तो घातों का गुणा करते हैं। तो जब घातों का गुणा करिएगा b प्लस c का गुणा b माइनस c में, तो एक ब्रैकेट में b प्लस c, दूसरे में b माइनस c, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो x पर घात हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू एक, देखिए x पर घात c प्लस है फिर दूसरे में c माइनस है, तो x पर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस, फिर इनटू x पर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस। अब तीनों पदों का आपको गुणा करना है, तीनों पदों का अब देखिए हमें गुणा करना है, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, और गुणा करते समय आधार सबके बराबर दिख रहे हैं, और गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो वही रहेगा लेकिन घातों को हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए वही क्रिया यहां भी करते हैं, आधार सबका x है तो x ही रहेगा लेकिन घातें जुड़ जाएंगी, मतलब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जुड़ेगा और इसमें भी जुड़ेगा अगली घात a स्क्वायर माइनस, तो माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर से प्लस c स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो अब यहाँ पे घात जीरो हो गया, और आप जानते हैं किसी आधार पर यदि घात शून्य हो जाए तो उसका मान कितना होता है, एक आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आसान प्रश्न था ये भी, और इस कड़ी में इस श्रृंखला में हम अगले प्रश्नों को फिर से नोट करें हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो यहां पर जो सीरीज का अगला प्रश्न है 49, इसमें लिखा है 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए होगा। तो कमरे की जब पुताई करना होगा तो इसके फर्श और छत को छोड़कर पुताई करेंगे। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसके चारों दीवार, देखिए कोई कमरा है मतलब ये घनाभ के आकार के सेंस में यदि लें, क्योंकि बीमाएं अलग अलग हैं, तो घनाभ के चारों दीवारों का हमें पेंटिंग करना है, जैसे घनाभ के आकार का कमरा है तो फर्श को और छत को छोड़ेंगे, तो ये सेंस जो निकल कर आ रहा है इसकी चारों दीवारों पर ही पुताई करनी है। तो सबसे पहले इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, पहले ये देखिए इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल है कितना, और जब क्षेत्रफल आ जाए तो जितने वर्ग मीटर आएगा, एक वर्ग मीटर पर खर्च बतलाया ही है 5 रुपए है, तो जितने वर्ग मीटर आए उसमें 5 से गुणा कर दीजिए। जैसे यहां पे कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो होता है 2 L प्लस बी, मतलब परिमाप गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो यहां पर देखा जाए 2 विद इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 5 मीटर चौड़ाई है 4, तो 5 और प्लस 4 और गुणा ऊंचाई कितना है 3 मीटर ऊंचा कमरा है, तो ये 3 है, तो 5 और 4 9, 9 का गुणा 6 में 2 दिया 6 और 6 का गुणा 9 में 6 नवा 54 वर्ग मीटर आया, है ना। कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं चूंकि प्रश्न में दिया है ना खर्च जो है पुताई करने का वो 5 रुपए पर वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर पर खर्च 5 रुपए है, चूंकि एक वर्ग मीटर पर खर्च कितना है 5 रुपए, इसलिए कमरे का जो चारों दीवार का क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग मीटर है, स्पर्श खर्च कितना आएगा 54 गुणा 5
पांच चौके 20, 0 2, 5 5 25, 100 2 27। तो बहुत ही आसान सवाल था। 270 ये है आपके ऑप्शन सी में। तो इस श्रृंखला में चलिए एक 50वें प्रश्न पर आते हैं, और यहां पर एक सफर तय करना है 480 किलोमीटर की, और हम भी अपने स्टाफ 100 क्वेश्चन के आधे सफर पर आ पहुंचे हैं। 50वां प्रश्न है ये। अभी इतनी ही यात्रा हम लोगों को और पूरा करना है, बड़े धैर्य से जुड़े रहना है पूरे लास्ट तक, और निश्चित रूप से वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और ये कंट्राडिक्शन एक की जो मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न के काफ़ी स्ट्रक्चर मिलेंगे, बिल्कुल सत्य है। आप ध्यान से आप देखिए और आप खुद ही बताएंगे परीक्षा के बाद कि रिस्पांस आपके टॉप 100 से क्या रहा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की कुल यात्रा है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये टोटल सफर है 480 किलोमीटर, और इस 480 किलोमीटर की कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल से व्यक्ति पूरा करता है। चलिए जैसे ये यात्रा था, इसका ये ट्रेन से जो रहा ये कितना रहा पहले ये देखते हैं। तो ये 480 किलोमीटर की जो टोटल यात्रा है इसका 2/3 ट्रेन से तय किया गया है। तो अब बताइए ये टोटल पहले हम देख लें, ये 480 किलोमीटर का सफर है और इसका 2/3 रेलगाड़ी से। तो पहले देखिए रेलगाड़ी से कितना सफर तय हुआ, तो 480 का 2/3, तो 16 × 3 = 48 कितना आया, 160 × 2 मतलब ये आ गया 320 किलोमीटर। कितना आ गया, 16 × 32 320 किलोमीटर। अब 1/5 बस से, जैसे यात्रा का 1/5 ये हो गया बस से। तो पहले बस से देख लीजिए, तो 1/5 शेष का नहीं है बल्कि कामा करके दिया, मतलब पूरे यात्रा का 1/5 बस से। तो पूरी यात्रा 480 है और 480 का 1/5 बस से, मतलब 5 × 9 = 45 3 × 30 = 5 × 30। और शेष दूरी टैक्सी से तय करता है। अब आ गया टैक्सी का सफर कितना रहा, अब आप समझ गए। तो 320 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 96 किलोमीटर बस से, तो बची कितनी। आप क्या करेंगे, ये तीनों डिस्टेंस ट्रेन बस और रेलगाड़ी से जो टैक्सी से तय की गई है वो 480 किलोमीटर, मतलब 16 × 32 320 और प्लस 96 और प्लस ये हम मान लेते हैं टैक्सी से x किलोमीटर है, ये सब मिला के पूरे सफर के बराबर हुआ। 320 किलोमीटर, 96 किलोमीटर और x किलोमीटर का टोटल सफर किसके बराबर रहा, 480। तो x बराबर कितना, 480 माइनस ये हो गया 6 × 9 = 11 और 416, तो घटा दीजिए 10 में से 6 गए 4, 7 में से 6 गए 6, 64 किलोमीटर व्यक्ति ने अपनी सफर का टैक्सी से पूरा किया। तो आसान पार्ट रहा। चलिए एक अगले सीरीज पर चलते हैं फिर से। प्रश्न संख्या 51 बहुत ही सरल है, आसान है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या जिसे p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, परिमेय संख्या। तो करणी में 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 ... ये क्रम चलता रहेगा, जिसे आप p बटे q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आवर्त दशमलव के सीरीज में नहीं होगा। मैंने बताया था 1.732 फिर ... ये चलता रहेगा, कहां पे समाप्त होगा निश्चित नहीं है। तो इसे p बटे q में आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि यदि दशमलव के बाद संख्याओं का यथार्थ निर्धारण संभव न हो, मतलब दशमलव के बाद आप काउंट न कर पाए कितने अंक जा रहे हैं, तो वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ भी वही होगा, 1.732 इस तरीके से चलते रहेंगे, कहीं पर समापन नहीं मिलेगा। तो जब आप दशमलव के बाद ये काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि कितने डिजिट है, तो ये बता ही नहीं पाएंगे कि पी बाई क्यू है कि नहीं, तो ये अपरिमेय होगा, ये तो परिमेय नहीं है। पाई भी अपरिमेय संख्या होती क्योंकि इसे भी पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि पाई के मान को मैंने बताया था कि देखिए आर्यभट्ट ने परिभाषित किया जो पाई का मान है, जिसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाई का मान जो लिया गया है आर्यभट्ट प्रथम द्वारा ही। तो आर्यभट्ट प्रथम ने बताया था
कि 100 में 4 जोड़कर 8 से गुणा करें, प्राप्त गुणनफल में 64,000 जोड़कर 20,000 से भाग देने पर जो भागफल आता है वह पाई के मान के बराबर होता है, मतलब 64,832 बटे 20,000। तो ये आपका जो सीरीज चलेगा 3.1416 डॉट डॉट, तो ये भी P बाई Q के रूप में डिफाइन नहीं होगा, अपरिमेय होगा। करणी में 9, हाँ करणी में 9 को आप लिख सकते हैं 3, और 3 को 3 बटे 1 लिखा जा सकता है जो कि P बाई Q है, तो परिमेय संख्या C होगी और D अपरिमेय है क्योंकि 7 का क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से P बाई Q के रूप में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारा ऑप्शन C होगा। एक अगले सीरीज पर आ जाए जो आपके पास है, प्रश्न संख्या 52, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या देखें, 52 में 2-1/3 ये सीरीज दिया है, पूछा है इसका मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया था कि एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में होगा। पूरे सीरीज में डेटा कैंसिल होने की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी कि यदि पहले टर्म से अंश बचेगा तो लास्ट वाले टर्म से हर बचेगा, और यदि पहले वाले टर्म से हर बचेगा तो लास्ट वाले टर्म से अंश बचेगा। मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त होता है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखिए 3 × 6 − 1 5/3। आगे की कैलकुलेशन देखिए, 5 × 10 10 − 3 7 5 × 10 10 − 3 7 7/5। आगे होगा 7 × 14 14 − 5 9 9/7। ये पैटर्न चलता रहेगा। आगे की क्रिया इस तरीके से होगी कि 999 × 2 999 × 2 1998 1998 − 997 999 × 1998 − 997 1001/999। कैंसिल होने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से 5 5 कटा 7 7 कटा 9, आगे वाला पद जब खोलेंगे क्योंकि बीच में डॉट डॉट है तो 9 कट जाएगा, यहाँ से हर बचा तो वहां से अंश बचेगा 999, इसके ठीक पीछे वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आया अंश 1001 है और हर 3 है, बाकी सारी डेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे जो कि फिर से ऑप्शन सी की ओर हमें ले जा रहा है। तो ये नहीं सोचना कि गणित के ऐसे क्रम में ज्यादातर ऑप्शन सी होता है, ऐसा कोई गेस नहीं करिएगा क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से पड़ गया कि लगातार सी ऑप्शन होगा, लेकिन इस क्रम में आप भूल नहीं करिएगा, प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे के कुछ और प्रश्न को हम लेते हैं।